SYL मामले में पंजाब सरकार पर दर्ज सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का केस, ये कहना है पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। भूपेंद्र हुड्डा के माने तो जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी कर पंजाब को सतलुज यमुना का पानी देने का आदेश जारी कर दिया है तो बैठकों का कोई औचित्य नहीं रहा। मैंने विधानसभा में मनोहर सरकार को मशवरा दिया था कि पंजाब सरकार के नकारात्मक रवैये को लेकर अवमानना का केस दर्ज करवाना चाहिए, लेकिन मनोहर सरकार ने उनकी बात नहीं मानी। के पद पे भी और मेयर के पद पे भी, उससे पहले जाएंगे। चुनाव की तारीख तो नहीं आई, लेकिन जहाँ तक ऑर्गेनाइजेशन की बात है, जिला अध्यक्षों की बात है, मेरे ख्याल में इस महीने के आखिर तक बनना चाहिए, संगठन बन जाएगा। जो भाषा आप बोल रहे हैं इस पद यात्रा से घबरा गए हैं, ये घबराई हुई एक भाषा है, घबराहट की भाषा है जो बोल रहे हैं। तो क्या सर लगता है कि आने वाले समय में कुछ असर देखने को मिलेगा इस भारत जोड़ो यात्रा से? पूरे देश में आप देख रहे हैं कि यात्रा जो है जन आंदोलन में बदल चुकी है, कई हैं सारे नगर निगमों में है, जैसे अमृत योजना है, बिल्कुल मतलब कितना एकदम भारी घोटाले हैं ये, तभी तो ये सरकार जो है ना, हमने घोटाला सरकार इसका नाम रख रखा है, एक के बाद एक घोटाला। हाँ चाहिए, पहले आपने ध्यान नहीं दिलवाया, कभी हमारे हाथ में बना देंगे भाई, इसकी सरकार के तो भरोसे कुछ नहीं बनने वाला है। ये आम चर्चा कोई बना रहा है, आप सब गुड़गांव के हैं, 8 साल से सरकार है और ये बीजेपी जेजेपी अब इंदौर से है, कोई ऐसा काम बताओ जो इस सरकार में हुआ। ये आम चर्चा है कि कांग्रेस ही कांग्रेस को हरा लेती है, नहीं? तो पदयात अभी भी ऐसा लगता है कि निचले स्तर से लेकर तो आप लोगों की कहानियां है, बाकी कोई गुटबाजी नहीं। 1810 एकड़ जमीन का मुद्दा चल रहा है, यहाँ पे किसान धरने पे बैठे हुए हैं पिछले 5 दिन से, लेकिन उनका हल नहीं हो पा रहा। कांग्रेस हमने तो समर्थन किया था, सांसद भी आए थे, पितर भी आए थे उनके समर्थन में, हम आ चुके कई दफा, हमारा तो हम उनके साथ खड़े हैं, उनके साथ करी है जी से। कोई नया सेक्टर डेवलप किया है? कोई IMT बनाई है? कोई बताओ एक सत्ता लेके आए हैं? बल्कि हमारा जो यहाँ पर देश की सबसे पहली डिफेंस यूनिवर्सिटी जिसका हमने बिनौला गांव में उद्घाटन रखवाया था प्रधानमंत्री से, आगे चलाया नहीं कुछ इन्होंने। तो सर उसी महत्वपूर्ण बात को आप कौन है उम्मीदवार कर दिया डिक्लेयर? उम्मीदवारी तो हमारे कांग्रेस में इंतजार हमारे, मतलब कोई उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिया क्या? समय पे होता था रखा नहीं भाजपा वालों के, पर कांग्रेस की तैयारी कुछ ज्यादा मतलब कार्यकर्ताओं को दिख नहीं रही गुड़गांव शहर में। नहीं आपको नजर नहीं आ रही होगी, आप जा रहे हैं सिंबल पे लड़ाई है। SYL लहर की दोबारा से ये CM ने PM ने शुरू कर दी कि भी मिल बैठ के निपटा लो। देखिए ये तो जो है ना समय टालने की बात है, कोई मिल बैठने की जरूरत ही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला फाइनलिटी अटेन कर चुका है, वो हो चुका है, वो उन्होंने कहा है SYL खोदने के लिए, अब जिम्मेवारी है अपनी जिम्मेवारी से। नेक्स्ट प्लान क्या है? उठा रहे आवाज और पूरा इस बात का पूरा है कि हम अपना हक नहीं छोड़ेंगे, अब एक बूंद भी हम कैसे भी बस करोगे इस खट्टर को पाने के लिए, कैसे भी बस करोगे खट्टर को? वो तो देखो प्रजातंत्र है ये, तो लोकतंत्र है, लोगों की वो है, अब आएंगे चुनाव मतलब तो मतलब ये बहुमत से बने हुए ना, वो यहाँ से आगे जा भी नहीं पाओगे, गठबंधन की सरकार बनी है, गठबंधन की सरकार कैसे बनेगी, स्वार्थ की सरकार है, जब भी तो गलियारे कुछ हो नहीं रहा, वो तो एक तो कह रहा था 75 पार, एक कह रहा था इनको यमुना पार, दोनों बनेंगे यार स्वार्थ में, ये तो सबको दिख रहा है, इनका कोई मतलब नहीं आ रहा, लेकिन जनित से या हरियाणा के विकास से कोई मतलब नहीं है। सर राहुल उन्होंने बताया था मेरे को, मेरे मेरी बहन ने भेजा है, राहुल गांधी लोगों का आशीर्वाद, लोगों का साथ। वैसे हुड्डा साहब ये है कि स्नेह तो आप रहे, ये नहीं कहते हुड्डा साहब अपने भाषण में बता दिया, बाकी ये होता है सबकी अपनी अपनी तासीर होती है, मेरे को सर्दी ज्यादा लगती है, गर्मी नहीं लगती, कितनी गर्मी हो। अच्छा आपने तीसरी उम्र में रिकॉर्ड ही तोड़ दिया सुबह चक्कर,
घोटाला बैठती, मैंने कहा एक के बाद एक घोटाला है, ये बिल्कुल ऐसी इतना भारी भ्रष्टाचार कभी ना सुना है, भगवान करे ना आगे। सर कांग्रेस के टाइम पे हर चीज में आप देखो ये जो सरकार की नीति है, मान लो आप लो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उसमें केवल जो है कंपनियों का मुनाफा है, प्रीमियम कम, प्रीमियम ज्यादा गया है और कंपनसेशन कम किया है, मुनाफा कमा, ये तो इनकी नीति है भाई। तो कांग्रेस की सरकार प्रयास होगा जरूर आना चाहिए, जब तो लोग कह रहे हैं कि अच्छे दिन नहीं वही दिन ले गया कांग्रेस को। आने वाले चुनाव में ना ये परंपरा सवाल है, उसका जवाब देते हैं तो ये तो प्रैक्टिकल सवाल है, हाइपोथेटिकल सवाल ना, ना, ये तो चल रहा है, वक्त आएगा जिसकी कटे तो उस टाइम पूछना मैं इसकी क्यों कटी। सर कांग्रेस का कटारिया साहब की, कटारिया साहब की सीट तो पक्की समझी है, हर बार आप जाते हैं यहाँ पर जो लोहड़ी पर जो है क्यों हर बार लोहड़ी पे आप आते हैं कांग्रेस में नहीं है ठीक है, कांग्रेस में रिवाज नहीं है ये कटेगी तो उसके बाद पूछोगे ना, पहले ही काटते हुए तुम लोग। सर आज लोहड़ी का पर्व है पूरे हरियाणा, ये त्योहार जो है आपस में भाईचारा खुशी का त्योहार होता है। सर नए साल में कांग्रेस का संगठन तो बनवा दो, कह चुका हूँ मैं इस महीने के आखिर तक शायद बन जाए, कार्यकर्ता इंतजार कर रहे हैं महीनों से, शहरी अध्यक्ष का मामला